हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ फंक्शंस देखेंगे ताकि हम जब भी डेटाबेस को हैंडल करें तो वहां पे जो भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं तो उनके साथ जो भी हमें काम करना है वो कर सकें। ओके, जैसे कि अगर हमें कोई भी एक ओटीपी जनरेट करना है तो वो कैसे करेंगे। ओके, अगर हमें किसी का स्क्वायर निकालना है तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारे काम वैसे तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस अगर हम सीख लें तो आसान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पीएचपी स्क्रिप्ट को ऑन करूंगा और वहीं पे सारी फंक्शंस को आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूं अपने सी ड्राइव में, जैम्प में, एसटी डॉक्स में, और वहां पे हमारा एक फोल्डर रहता है पीएचपी का। ओके, सो यहीं पे मैं इसको सेव कर देता हूं, एम फंक्शन डॉट पीएचपी। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो फंक्शंस लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम इस वीडियो में कौन कौन से फंक्शंस देखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे बहुत ही जनरल जो फंक्शन है वो देखेंगे क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट की सीरीज है और यहाँ पे हम ज्यादा पीएचपी में और प्रोग्रामिंग में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें बस अपना मोटिव पूरा करना है, वो है वेब डेवलपमेंट। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर मुझे कोई भी एक ओटीपी जनरेट करना है तो उसके लिए हम रेंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में हमें क्या करना है, एक अगर कोई भी वैल्यू हमारी जो पॉइंट में आ रही है उसको हमें कन्वर्ट करनी है तो उसके लिए हम राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एबीएस फंक्शन है एक हमारा। ओके, इसके बाद में हमारा मैक्स फंक्शन है, मिन फंक्शन है, मिन मैक्स निकालने के लिए हैं ये दोनों। अगर हमें कोई भी वैल्यू पाई में कन्वर्ट करनी है तो वो उसके लिए है। ओके, इसके बाद में एक हमारा वैसे एरे के फंक्शन है तो वो वहीं देख लेंगे, लेकिन एक एरे का फंक्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं, एरे सम। ओके, बाकी हम एरे जब पढ़ाएंगे तो एरे के सारे ही फंक्शन वहां पे बताऊंगा। ओके, तो एक और फंक्शन हमारा है एसक्यूआरटी। तो इतने फंक्शन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले जैसे मुझे एक ओटीपी जनरेट करना है तो ओटीपी जनरेट हम कर सकते हैं रेंड फंक्शन की मदद से। मैंने एक वेरिएबल लिया ओटीपी, ओटीपी, ओके, ओटीपी मैंने वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रेंड, और मैंने रेंड लिखा। अब ओटीपी आपको पता है कितने डिजिट में आपको ओटीपी आपको पता है कि 4 डिजिट में होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मुझे चाहिए कि ओटीपी है वो 1000 से लेके यहाँ पे 9999। ओके, इतने के बीच में ही ये नंबर रेंड करके दे। रेंड फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता है कि रेंड फंक्शन क्या है। वैसे अगर आपको बर्ड आता है एमएस बर्ड तो आपको पता होगा रेंड क्या करता है। सो इट रिटर्न्स द नंबर बिटवीन टू गिवन आर्गुमेंट। टू हमारे दो जो आर्गुमेंट अभी मैंने दिए हैं वो कौन से हैं, एक तो ये आर्गुमेंट है और एक हमारा ये आर्गुमेंट है। तो इसके बीच में जो भी हमारा नंबर होगा वो रिटर्न कर देगा। ओके, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं तो हर बार ये अलग अलग नंबर को रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे इको लगाया और यहाँ पे ओटीपी को प्रिंट किया, ओटीपी को प्रिंट किया और इसको मैं सेव करके रन करूंगा। तो मैं क्रोम में चलता हूँ और वहां पे मैं लोकल होस्ट को ओपन किया। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पे पीएचपी में हमारा जो फंक्शन कौन सा था, एम फंक्शन, तो आपने देखा यहाँ पे ये हमारा ओटीपी आ गया है। तो अभी हमने इस ये दे रहा है 2602। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये अलग देगा। ओके, तो ये हमेशा 4 डिजिट में ही नंबर देगा। तो इस तरीके से आप ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे फंक्शन की, तो दूसरा हमारा फंक्शन है राउंड। अब राउंड फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को राउंड करके देता है। ओके, राउंड करके कैसे देता है वो अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरी एक कोई भी वैल्यू थी, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ मान लीजिए ए, और इसमें कोई भी वैल्यू थी पॉइंट में, तो ये फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट किया इसको और यहाँ पे लगाया मैंने राउंड, और राउंड में मैं क्या दूंगा, डॉलर ए। डॉलर ए जैसे ही दूंगा, अब वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कितनी होनी चाहिए, वैसे वैल्यू जो डॉलर ए की है वो 29.88 है, लेकिन 88 हमें पता है कि हाफ से ज्यादा है, तो हाफ से ज्यादा ये तो ये 30 हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ यहाँ पे। तो आपको, आपने देखा यहाँ पे 30 हो गया, तो यहाँ पे मैं एक बीआर लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली मैं ये वैल्यू सही प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने ये बीआर लगा दिया फॉर द नेक्स्ट लाइन और यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, तो आपने देखा ये 30 इसने वैल्यू दे दी। लेकिन हमारी जो वैल्यू पॉइंट के बाद अगर हाफ से कम है, यानी हम हाफ से कम 49 कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे देखना एक वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा 39 ही आई है। अगर लेकिन हाफ से अगर जरा सी हम ज्यादा कर देते हैं या फिर हाफ ही कर देते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी 30 हो जाएगी। तो ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, राउंड आपको पता होगा। इसके बाद में हमें क्या है, एबीएस। तो एबीएस क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। अगर मैंने कोई भी एक वैल्यू है, मान लीजिए डॉलर बी, यहाँ पे मैंने कोई भी एक वैल्यू माइनस में लिया, मान लीजिए तो ये वैल्यू ले ली हमने 232। इसके बाद में मैं इसको भी प्रिंट करा के देखता हूँ, तो 1 मिनट, प्रिंट आर हो गया, प्रिंट कराऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एबीएस लगाऊंगा यानी एब्सोल्यूट। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि वो सिर्फ वैल्यू पे, वैल्यू जो होती है ना वही वैल्यू एक्चुअल में वैल्यू देता है, वो माइनस में वैल्यू नहीं देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या है, 232। तो यहाँ पे भी मुझे बी आर लगाना पड़ेगा ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे आके मैंने इसको बी आर लगाया, 1 मिनट, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ और इसको रिफ्रेश करके और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कराया। तो आपने देखा 232 वैल्यू आई। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 232 वैल्यू आ रही है हमारी। तो एक्चुअल वैल्यू है वही हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, माइनस है प्लस है उससे उसे मतलब नहीं है, वही हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। उसके बाद में मिन मैक्स। तो मिन मैक्स हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी बहुत सारे नंबर्स में से मिन या मैक्स निकालना है तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज डाल सकते हैं कुछ भी। तो मैंने बहुत सारी यहाँ पे वैल्यूज दे दी कॉमा दे दे के। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे जो हमारी, 1 मिनट, तो ये प्रिंट करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बी आर लगा देता हूँ। ओके, ताकि दूसरी लाइन में प्रिंट हो। तो आपने देखा जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 1 है यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पे 1 ही है सबसे छोटी, लेकिन मैं अगर इस यहाँ पे 0 दे देता हूँ तो ये 0 वैल्यू प्रिंट करेगा। अभी देखना आप, तो इसने 0 प्रिंट कर दी। तो ये मेन वैल्यू बताता है। इसी तरीके से मैक्स, इसी का मैं मैक्स निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल बी किया और इसको यहाँ पे 1 मिनट, 1 मिनट, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे ना, यहाँ पे जो मैक्स वैल्यू है वो है 234। ओके, सो 234 ही यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैक्स। तो मैक्स फंक्शन हमारा क्या करता है, मैक्स वैल्यू देगा। तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू आनी चाहिए, आ गई हमारी मैक्स वैल्यू 234। 234 मैक्स वैल्यू है। इसके बाद में हमारा कौन सा फंक्शन था, इसके बाद में हमारा पाई था, एरे था। तो पाई फंक्शन क्या करता है, पाई की वैल्यू इंटू करता है। ओके, तो कोई भी वैल्यू आप उसमें देखो उसको पाई से इंटू कर देगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस पाई फंक्शन को प्रिंट करना है। पाई फंक्शन को जैसे ही प्रिंट करेंगे आप, तो 1 मिनट, यहाँ पे फिर से मैं वी आर लगा चुके चलता हूँ, 1 मिनट, कंट्रोल एस, और यहाँ पे रिफ्रेश किया इसको। तो आपने देखा ये जो हमारी पाई की वैल्यू है, अब मैं इसमें कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, मान लीजिए 1 दी, तो 1 से इंटू होगी, सेम ही वैल्यू आएगी। तो वैल्यू सेम आई है। ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ 2। तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई होके वैल्यू जो आएगी वो हमारी वैल्यू यहाँ पे दिखेगी। सो 1 मिनट, ये वैल्यू नहीं आई है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या है, ये रिटर्न करता है, अगर हमें कोई भी इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है तो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यू हमारी आ गई। ओके, सो पाई के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, इसमें मतलब नो आर्गुमेंट पासिंग फंक्शन है ये, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट हमें पास नहीं करना है। ओके, इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसके बाद में मुझे एक चीज चाहिए, वो है एरे सम। तो एरे सम एक्चुअली में कोई भी अगर आप नंबर डालोगे तो उसका वो सम कर देगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, 1 मिनट, सबसे पहले इसको रन करके देखता हूँ, ये रन हो रहा है। और तो यहाँ पे मैंने एरे सम किया, सबसे पहले एरे बनाता हूँ, ए आर ए का मैंने एरे बनाया। और यहाँ पे एक एरे कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, कोई भी एक की, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक कोई की ले ली है और ये हमारी 1 की है और जिसमें हमने रखा है ये वैल्यू। उसके बाद में मैंने कोई और की ली है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में मैंने कोई और की ली, मान लीजिए मैंने 2 की ले ली है, उसमें मैंने वैल्यू रखी है 36। इसके बाद में मैंने कोई की ली है 3, और उसमें मैंने वैल्यू रखी है, ये वैल्यू रखी है। ओके, तो ये हमारा एक एरे बन गया, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ बंद और ये यहाँ पे कॉमा लगेगा। ओके, इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एरे सम करूंगा। एरे अभी मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपको नहीं पता है तो। ओके,
सो एरे सम, तो एरे सम में हम एरे दे देंगे, ए आर मैंने दे दिया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको किसी भी वेरिएबल में हमें स्टोर कराना पड़ेगा जो भी सम है। तो यहाँ पे एक मैंने सम वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे इसको स्टोर करा दिया। अब मैं क्या करूंगा, सम को कर दूंगा प्रिंट। तो मैंने प्रिंट किया और यहाँ पे किया डॉलर सम। ओके, सो डॉलर सम यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू जो है हमारी नेक्स्ट लाइन में आए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे फिर से एक बी आर लगा दिया। ओके, सो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे बी आर। इसके बाद में जस्ट मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आके इसको कर दिया प्रिंट। तो आपने देखा ये हमारी वैल्यू है 210। तो इसमें हमारी वैल्यू जो है 67 67 प्लस 76। ओके, सो 1 मिनट, कैलकुलेटर। तो यहाँ पे 67 प्लस 67, ओके, प्लस हमारी कितनी है 76। ओके 76, तो हमारी वैल्यू जो है 210, तो 210 आ रही है। तो इस तरीके से आप एरे का सम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर एक और फंक्शन हमारा रह गया था वो है एस क्यू आर टी। ओके, सो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि यही जो वैल्यू आई है सम, ओके, इसी का मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ। तो उसके लिए मैंने एस एक कोई वेरिएबल ले लिया, उसमें SQRT ये जो हमारा फंक्शन है इसमें मैंने क्या पास किया, सम। सम पास कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं हम, 210। ओके, सो सम की वैल्यू 210 है। तो 210 का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो हमारा प्रिंट होगा आगे किसमें, डॉलर एस में। ओके, सो डॉलर एस में अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बी आर लगा देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने क्या किया, बी आर लगा दिया। ओके, यहाँ पे मैंने बी आर लगाया, उसको सेव किया और यहाँ पे आके रन किया। तो आपने देखा ये इसका स्क्वायर रूट है। अब चेक करने के लिए यहाँ पे हम कोई अपनी जनती वैल्यू दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 64, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है, तो 8 आना चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे 64 ही आ रहा है एक्चुअली में, तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ 64। सॉरी गाइस, 1 मिनट, यहाँ पे डॉलर एस, यहाँ पे मैं दूंगा सम की जगह पे 64। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 64। ओके, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो 8 आना चाहिए, तो 8 हमारा आ गया। तो ये कुछ हमारे फंक्शन थे इस वीडियो में, रेंड राउंड, ABS, मैक्स मिन, पाई, इस और एरे का सम निकालना हो तो, और स्क्वायर रूट। ओके, इसके बाद में हम एरे सीखेंगे और वहां पे कुछ एरे के जनरल फंक्शन सीखेंगे। उसके बाद में मैं SQL सिखाऊंगा आपको और उसके बाद में फिर हम डेटाबेस से काम कर पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। अगर आपको लगता है कि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसकी वीडियो या फिर कुछ भी आपके लिए सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो उसे भी शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।